अरे नीरज, तू यहाँ हकने बैठा है? मैं कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब हकते टाइम थोड़ी ना फोन साथ में लेके बैठूंगा, कहीं पानी बानी गिर गया तो फोन खराब नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब जल्दी से पिछवाड़ा धो ले और पैंट पहन के आ जा। नो पे मेरा एक पार्सल आया है, वो लेने जाना है। ठीक है, मैं अभी आया। कहाँ गई मेरी पैंट? ये रही। अरे ये मेरी पैंट है। अरे सॉरी भाई, गलती से पहन ली। अब ये गंदी पैंट मैं नहीं पहनूंगा। ठीक है, मत पहन, अपना पिछवाड़ा पोछ लेना इससे। चल भाई चलते हैं। यार पूरा कॉलेज खत्म हो गया लेकिन मुझसे एक भी लड़की नहीं पड़ी। तो एक काम कर, किसी लड़के को ट्राई करके देख, क्या पता वो पट जाए। हट साले, मुझे वो टाइप का समझ के रखा है क्या? अरे अरे अरे, बाइक रोक, बाइक रोक। क्या हो गया? सामने देख, क्या मस्त लड़की खड़ी है। तू उतर जा, मैं उसे पटा के आता हूँ। साले बाइक मेरी और लड़की तू पटाएगा? तू चुप जा और कोई हरकत मत करना। हेलो स्वीट हार्ट। क्या है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अच्छा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम जिस भी चीज पर अपना हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा क्या? ये ले, रख दिया हाथ मैंने इस कार पे, दिलवा सकता है क्या तू मुझे? तुम दोनों मेरी कार के पास क्या कर रहे हो? चलो फूटो यहाँ से। ये कार कितने की है? 5 लाख यूसी की है, तेरी औकात से बाहर है। ये ले 10 लाख यूसी का चेक और कार मुझे दे दे। कार तुम्हारी हुई, चलो मैं चलता हूँ। ओए रुक, किधर भाग रहा है? कार तो बेच दी मैंने, अब मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तुझे 5 लाख यूसी ज्यादा क्यों दिए है पता है? इसका ड्राइवर बनने के लिए। चल जा, इसको घर तक छोड़ दे। थैंक यू नीरज, कल बॉलीवुड रेस्टोरेंट में मिलते हैं लंच के लिए। बाय, लव यू। बाय जानेमन। क्या हुआ भाई, लड़की पटी कि नहीं? पट भी गई और कल हम लंच पे भी जा रहे हैं। वाह यार, मुझे भी कल साथ में ले चलना। तुझे तो नहीं ले जाऊंगा लेकिन तेरा बाइक जरूर ले जाऊंगा। तू बहुत कमीना दोस्त है। ये लड़की कहाँ रह गई? सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, आओ अंदर चलते हैं। तुमने अपना नाम नहीं बताया अब तक। सोनम, और तुम्हारा? नीरज। अच्छा सोनम, ये बताओ तुम्हारा ड्राइवर पागल तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? अरे बस ऐसे ही, मैंने आज सुबह उसको एक ट्रक के ऊपर चढ़ते हुए देखा था और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहा था। जैसे ही उसने मुझको देखा वो वहाँ से कूदकर भाग गया। नहीं तो, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा उसमें। अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगी? मैं सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक लूंगी। बस इतना ही? वेटर ऑर्डर ले लो। हाँ बोलिए सर। मैडम के लिए एक सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक लाना। उधर क्या देख रहा है, ऑर्डर मैं दे रहा हूँ ना, इधर देख। और मेरे लिए पनीर बटर मसाला, पनीर भुर्जी, पनीर तवा मसाला, दाल तड़का, दाल फ्राई, वेज मंचूरियन, हक्का नूडल्स, जीरा राइस, 10 बटर नान और 5 ग्लास छाछ की लेके आओ। तुम इतना कुछ खाते हो क्या? हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, तुम साथ में हो इसलिए थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, सो स्वीट ऑफ यू। ये लो सर, एंजॉय योर मील। मेरा तो पेट फुल हो गया, तुम और कुछ खाओगी? नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ और मेरे पापा से मिलवाती हूँ। हाँ चलो। ड्राइवर घर ले चलो। आओ नीरज, ये मेरा घर है। पापा बाहर आओ, मैं आपको मेरे एक दोस्त से मिलवाती हूँ। आता हूँ बेटा। पापा ये नीरज है, इसने ही मुझे ये कार गिफ्ट की है।
हेलो नीरज बेटा। हेलो अंकल। सोनम, तुम क्या इस झोपड़ी में रहती हो? हाँ नीरज, हम बहुत गरीब हैं और ऐसा ही घर अफोर्ड कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नया घर दिलवाता हूँ। पापा आप भी साथ चलिए। ड्राइवर पोचिंग की ले चलो। सोनम, ये पूरे पोचिंग की में से तुम्हें जो घर पसंद है उस पे हाथ रख दो, वो घर तुम्हारा हो जाएगा। मुझे ये घर पसंद है। समझो ये घर तुम्हारा हो गया। थैंक यू सो मच नीरज। और तुम मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहे हो? हाँ जल्द ही मिलवाऊंगा। घर के अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अभी नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। ये देखो सायरन भी बज चुका है, इमरजेंसी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ड्राइवर मुझे बॉलीवुड रेस्टोरेंट तक छोड़ दो, मेरा बाइक वहीं पे ही है, वहां से मैं चला जाऊंगा। अरे भाई जल्दी भगा, जोर से टट्टी आई है, बहुत प्रेशर आया है, जल्दी से टट्टी जाना पड़ेगा नहीं तो पैंट में ही हो जाएगी। अरे तुम लोग पूरे दिन इधर ही बैठे रहते हो क्या? चलो जगा दो, मुझे जोर की टट्टी आई है। अब जाके कुछ आराम मिला, एकदम हल्का हल्का लग रहा है। हम तो पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं, तुम सोचो हमें कितना हल्का लग रहा होगा। हेलो जानू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जाने मन, बस घर पे हूँ। मेरी एक बचपन की विश है कि मैं वीकेंड डे घूमने जाऊँ, तुम मेरी ये विश पूरी करोगे? हाँ बिल्कुल। कितना खर्चा होगा उसमें? करीबन 12 लाख यूसी। चलो तुम जाने की तैयारी करो, मैं यूसी का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है बाय। 12 लाख यूसी कहाँ से लाऊं मैं? एक काम करता हूँ, अपना खेत बेच देता हूँ। सर आपके खेत के मैं 15 लाख यूसी ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। ठीक है भाई, 15 लाख ही दे दो। ये लो आपका चेक, चलो मैं चलता हूँ। बेटा वो आदमी किस लिए आया था? वो हमारी जमीन खरीदने आया था। क्या तुमने हमारी जमीन बेच दी और हमसे पूछा भी नहीं? हाँ माँ, मुझे कुछ यूसी चाहिए थे घूमने जाने के लिए, इसलिए बेच दी। हमारे बुर्को की जमीन बेच दी? पक्का कोई लड़की का चक्कर है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, मुझे आप लोगों से कुछ भी बातें नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। वीकेंड में आज हमारा आखिरी दिन है, 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ यहाँ वीकेंड की सबसे बढ़िया आइसक्रीम मिलती है, तुम खाओगे? नहीं तुम खाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अब जाके कुछ आराम मिला, 10 दिनों से मैं टट्टी नहीं गया हूँ, पेट भारी भारी सा लग रहा है। जब तक खेत में जाके टट्टी नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। क्या हुआ नीरज, तुम इधर क्यों आ गए? कुछ नहीं, घर की बहुत याद आ रही है, घर चले? हाँ चलो। वाह मजा ही आ गया, 10 दिनों बाद मौका मिला है खेतों में टट्टी जाने का। अरे ये सोनम यहाँ क्या कर रही है, इसको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मैं नीरज की फ्रेंड हूँ, नीरज है घर पे? वो भी घर पर ही था, पता नहीं कहाँ चला गया, तुम उधर खेत में जाकर देखो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ओके थैंक यू आंटी। अरे ये तो इधर ही आ रही है, कहीं ये मुझे टट्टी करते हुए देख ना ले, मुझे छिपना होगा। अरे नीरज तुम ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं तुझे, टट्टी कर रहा हूँ। तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं है क्या? है, पर मुझे खेतों में खुली हवा में टट्टी करना पसंद है, बचपन से ही मैं खेत में ही टट्टी करता आ रहा हूँ, कहीं और मुझे टट्टी आती ही नहीं है। छी मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गवार हो, पता होता तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनती,
मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जो जो गिफ्ट दी है वो वापस कर दो। वो सारी चीजें अब मेरी है, भले ही तुम भूखे मर जाओ वो मैं वापस नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। पापा, मैंने उस गवार नीरज से ब्रेकअप कर लिया, वो साला खेतों में टट्टी जाता है। ठीक ही किया बेटा तूने, वैसे भी उसका घर और गाड़ी हमारे पास ही है, लेकिन ध्यान रहे बेटा वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। डोंट वरी पापा, वो कुछ भी नहीं करेगा। आओ पापा, बालकनी में चलते हैं। बेटा, अगर घूमने के बाद कुछ यूसी बच गए हो तो हमें दे दो, तेरे पापा का मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करवाना है। कुछ नहीं बचा माँ, सारे यूसी खर्च हो गए। साले तूने उस लड़की के पीछे सारी यूसी उड़ा दिए। ये भागते हुए कौन आ रहा है? सर, आपको अपना घर खाली करना पड़ेगा। तू कौन है और हम अपना घर क्यों खाली करें? सर, आपके बेटे ने घर गिरवी रख के कार लोन और होम लोन ली थी, जिसकी किस्तें वो नहीं भर पाया, इसलिए हमें आपका घर नीलाम करना होगा। हमने ये किस बेटे को जन्म दे दिया, हमें कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन जो कुछ भी था वो भी बिकवा दिया। जब तक हमें हमारा घर वापस ना मिल जाए तब तक हमें खेत के पास वाली झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। मम्मी पापा, मैं वादा करता हूँ कि आपको ज्यादा दिन तक इस झोपड़ी में रहना नहीं पड़ेगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे किसी से बदला लेना है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अरे वो देखो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नीरज ही है ना? हाँ पापा, ये इधर भी आ गया अपनी गंदी गवार वाली हरकत करने। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो टट्टी जा रहा है हमारे घर के सामने। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं, आदत है उसकी हर जगह टट्टी करने की। छी 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 छी, क्या गंद मचा रखी है इस लड़के ने, पूरा आंगन टट्टी टट्टी कर दिया। अब दोबारा उसने ऐसी हरकत की ना तो मैं उससे देख लूंगी। अरे ये फिर से आ गया गंद मचाने। मुश्किल से कल उसकी टट्टी साफ की थी हमने, आज फिर उसने पूरा आंगन टट्टी टट्टी कर दिया। रुको, अभी मजा चखाती हूँ उसको। ए गवार, खड़े हो, ये क्या गंद मचा रखी है तूने? ये रोज रोज मेरे घर के सामने टट्टी करके तू क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारे बगैर मैं भूखा नहीं मरता, रोज खाता हूँ और रोज जाता भी हूँ, और मेरी ये टट्टी की खुशबू तुम्हें रोज मेरी याद दिलाती रहेगी। चलो चलता हूँ, दुआ में याद रखना। नो 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 नो